पासा या डाइस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है रीजनिंग का, और हम देखते हैं एक्स वाई जेड कोई भी लेवल का कंपटीशन हो उसमें इस तरह का सवाल जनरली मिलता है, एसएससी लेकर के आपका कैट एग्ज़ाम तक का, एमबीए के डिफरेंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन, तमाम तरह के और यूनिवर्सिटीज़ के, अच्छी यूनिवर्सिटीज़ के एग्जामिनेशन, सब में इस तरह का कोई ना कोई सवाल ज़रूर मिलता है। डिपेंड करता है कि वो कॉम्पिटिशन किस लेवल का है। कई बार हल्का सवाल आ जाता है, कई बार थोड़ा मुश्किल आ जाता है, लेकिन मोस्टली स्टूडेंट्स को इसका बारे में अगर पता नहीं है तो वो छोड़ के आ जाते हैं सवाल, जो कि अच्छी चीज़ नहीं है। तो चलिए सीख लेते हैं क्या है बेसिक्स इसके पास के और कैसे हम उनके सवालों को करेंगे। तो चलिए चलते हैं, शुरू करते हैं इसके इंट्रोडक्शन के साथ। देखिए पासा में क्या होता है, छः साइड्स होती हैं जो इसके फेसेस कहलाती हैं। छह साइड जैसे कि आप देख रहे हैं, हम एक बार में तीन ही साइड्स को एक साथ देख सकते हैं। जैसे हम यहाँ देख रहे हैं ए बी सी, ये तीन साइड्स एक साथ दिख रही हैं हमें। दूसरा फिगर हमने देखा तो फिर हमें डी ई एफ दिख रही हैं। अब इसमें रिलेशनशिप हमसे पूछा जा सकता है कि ए का अपोजिट क्या है, बी के अपोजिट क्या है, या ई के अपोजिट कौन सा लेटर आएगा। यहाँ पे नंबर भी दिए हो सकते थे, 1 2 3 4 5 6 करके कुछ नंबर हो सकते थे, या कोई सिंबल हो सकता था, जैसे आपका डॉलर का निशान, जैसे आपका एट द रेट का निशान, एक्सक्लेमेशन मार्क्स वगैरह, ये सब के कोई 6 सिंबल इनके डिफरेंट फेसेस पे हो सकते हैं। तो इस तरह के सवाल इसमें आते हैं। कुछ और कॉम्प्लिकेशंस भी आएंगे तो वो हम आगे जा करके देखेंगे कैसे कैसे सवाल इस पे बनते हैं, किस तरह की कॉम्प्लिकेशन आती है और कैसे उनको हैंडल किया जाता है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं कुछ और नई चीज़ें। भाषा आधारित सवालों को करने के लिए हमें तीन तरह के जनरली रूल फॉलो करने पड़ते हैं, इसके तीन नियम हैं। वो कौन कौन से हैं चलिए देख लेते हैं। पहला रूल आपकी स्क्रीन पे है, रूल नंबर 1 जिसे हम कहते हैं, यदि किसी पासे के दिए गए दो फिगर्स या चित्रों में कोई एक नंबर या चिन्ह एक जैसा है और उसकी पोजीशन भी एक जैसी है, तो उस नंबर के सामने एक ऐसा नंबर या सिंबल आएगा जो इन दोनों आकृतियों में नहीं है। जैसे आप देख रहे हैं पासा के यहाँ दो चित्र दिए हैं, दो फिगर्स दी हुई हैं, एक पासा की उस पर कुछ नंबर्स अंकित हैं, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके 6 लगातार नंबर अंकित हैं, लेकिन क्या है कि उसमें एक कंडीशन ये दी हुई है कि दोनों जो फिगर्स हमें दी हैं उनमें एक नंबर कोई कॉमन है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ 5 है, यहाँ भी 5 है और उनकी पोजीशन भी एक जैसी है। यही रूल नंबर 1 कहता है कि 5 यहाँ भी सामने है और यहाँ भी इसी फेस पे है, सामने हमारे दोनों फिगर्स में सामने हैं और अकेला ये नंबर है जो दोनों फिगर्स में कॉमन है। तो इस केस में क्या होगा कि 5 के सामने कौन सा नंबर आएगा, वो नंबर आएगा जो इन दोनों फिगर्स में अवेलेबल नहीं है। यहाँ कौन कौन से नंबर हो सकते थे इन दोनों फिगर्स में कुल मिलाकर के पास आके, अगर हम बात करें 6 के 6 फलकों के नंबर अगर हम लें तो 5 यहाँ से मिला, 3 मिला, फिर 2 भी मिल गया हमें, फिर यहाँ से 5 दोबारा मिल रहा है, 4 मिल रहा है हमें यहाँ से और 1 मिल रहा है। अब यहाँ कौन सा नंबर मिसिंग है, ओनली एंड ओनली 6 नंबर यहाँ पे नहीं है। तो नंबर 6 जो है हमारा किसके अपोजिट चला जाएगा, इस नंबर के अपोजिट, 5 के अपोजिट चला जाएगा 6 नंबर। तो हमें एक आंसर ये मिल गया। इस तरह का सवाल आ सकता है कि 5 के अगेंस्ट कौन सा नंबर है, 5 के अपोजिट कौन सा नंबर है, 5 के विपरीत कौन सा नंबर आएगा। तो हमें मिल गया है कि 6 नंबर आएगा। अब हमसे पूछा जा रहा है कि 3 के अपोजिट कौन सा नंबर आएगा, तो 3 के अपोजिट कौन सा फेस है और उस फेस पे कौन सा नंबर दिया हुआ। तो 3 हमारा इस फेस पे अवेलेबल है, ये हमारा एक फेस है जिस इस पे 3 अवेलेबल है, तो इधर जो है इसके बिल्कुल सिमिलर फेस यहाँ पे भी है, एक और है इस पे 4 नंबर अवेलेबल है। तो 3 के अपोजिट जो नंबर आएगा वो 4 आ जाएगा। बहुत क्लियर है एकदम, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तीसरा जो इसने फेस दिया हुआ है उस पर लिखा हुआ है नंबर 2, तो ये नंबर 2 हमारा यहाँ पे दिया हुआ है और ऐसा ही एक और फेस सिमिलर दिया हुआ है जिस पे नंबर 1 लिखा हुआ है, तो 2 के अपोजिट हमारा नंबर आ जाएगा 1। तो इस ढंग से 3 तरह के सवाल यहाँ बन सकते थे। 5 के अपोजिट पूछा जा सकता था, 3 के अपोजिट पूछा जा सकता था, या नंबर 2 के अपोजिट आने वाला नंबर पूछा जा सकता था, जिनके आंसर आपने तीनों के दे दिए बड़ी आसानी से। अगला रूल देखते हैं, रूल नंबर 2। आगे बढ़ने से पहले एक और सवाल इस ढंग का देख लेते हैं। किसी दिए गए पासे के विभिन्न फलकों फेसेस पर 6 अलग अलग अक्षर ए बी सी डी ई और एफ दिए गए हैं, तो बताइए ए के अपोजिट कौन सा अक्षर है। देखिए वही सेम तरह का सवाल है, यहाँ पे नंबर्स के बदले अक्षर दिए गए हैं ए बी सी डी ई एफ 6। तो हमें पता करना है रूल नंबर 1 के हिसाब से इसका आंसर दिया जा सकता है, कैसे दिया जा सकता है। देखिए यहाँ पे रूल नंबर 1 के हिसाब से ये सवाल आ रहा है, एक
ए अल्फ़ाबेट जो है यहाँ पे अपेयर हो रहा है और ए अल्फ़ाबेट यहाँ पे भी अपेयर हो रहा है। दोनों फेस समान है, यानी कि एक ही पोजीशन समान है, और ए ही अकेला ऐसा लेटर है जो दोनों फिगर्स में अपेयर हो रहा है। इसका मतलब रूल नंबर एक एप्लीकेबल है। तो रूल नंबर एक के हिसाब से यहाँ पे ए के सामने क्या आएगा, वो लेटर आएगा जो दोनों में से किसी भी फिगर में अपेयर नहीं हो रहा है। तो पहले वो लेटर देख लेते हैं कौन कौन से अपेयर यहाँ पे हो गए। ए अपेयर हो गया इसमें, सी भी अपेयर हो गया यहाँ पे, बी भी अपेयर हो गया, ए यहाँ फिर से आ गया, यहाँ एफ भी आ गया और यहाँ ई भी आ गया। तो हम यहाँ कौन सा लेटर बचा, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डी एबसेंट है, तो डी ए के अपोजिट चला जाएगा। ठीक है, बाकी अगर आपने पता करना है कि सी के अपोजिट क्या है, तो सी के अपोजिट वाला फेस देख लो, फेस अपोजिट है एफ, सॉरी ये वाला फेस, ये सी जिस पर है ये है, और यहाँ पे ऐसा ही मिलता जुलता बिल्कुल सेम फेस जिस पे एफ लिखा है, तो सी के अपोजिट चला जाएगा एफ। और अब बचता है हमारा बी, तो बी को भी यहाँ फाइनलाइज कर लेते हैं, थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी आप लोगों की। आप वीडियो पॉज करके भी ऐसा कर सकते हो। यहाँ देखिए बी है, और बी के अपोजिट जो फेस है उसको देखिए, यहाँ पे ये वाला फेस है, इस पे लिखा है ई, तो बी के अपोजिट हो जाएगा ई। तो तीनों के सवालों के आपके आंसर आ गए हैं। चलिए रूल नंबर दो पे आप चलते हैं। ये रहा रूल नंबर दो आपकी स्क्रीन पे। रूल नंबर दो क्या कहता है कि अगर किसी दो फिगर्स में, जैसे यहाँ दो फिगर्स दी हुई हैं, इन दो फिगर्स में कोई एक लेटर अक्षर या नंबर एक जैसा है, जैसे कि यहाँ पे दोनों फिगर्स में कौन सा ऐसा लेटर है जो एक जैसा है, लेटर ए यहाँ पे भी अपेयर हो रहा है, लेटर ए यहाँ पे भी अपेयर हो रहा है, लेकिन उन दोनों की इन लेकिन एक ही पोजीशन दोनों जगह पे अलग अलग है, तो इस केस में हम ए के अपोजिट क्या है वो बताएंगे, बी के अपोजिट क्या है वो बताएंगे, और सी के अपोजिट क्या आएगा वो बताएंगे। तीन चीज़ों का पता लगाया जा सकता है। एक बार फॉर्मली रूल भी पढ़ लेते हैं। यदि दिए गए किसी पासे के दिए गए दो फिगर्स में, ये दो फिगर्स दिए हुए हैं, कोई एक चिन्ह या नंबर या अल्फ़ाबेट एक जैसा हो, यहाँ पे ए एक जैसा है ठीक है, किंतु उसका स्थान अलग अलग हो, तो ए का स्थान एक यहीं सामने है फ्रंट पे और यहाँ ऊपर चला गया है, ये स्थान अलग अलग हो, तो उस चिन्ह नंबर या अल्फ़ाबेट के सामने, तो इस चिन्ह ए के सामने या अल्फ़ाबेट ए के सामने ऐसा चिन्ह या नंबर या अल्फ़ाबेट आएगा जो इन दोनों आकृतियों में उपलब्ध नहीं है, दोनों आकृतियों में उपलब्ध नहीं है। तो आप बताइए कौन सा ऐसा नंबर है, कौन सा ऐसा लेटर है, सॉरी यहाँ तो सिर्फ लेटर की बात चल रही है, तो कौन सा ऐसा लेटर है जो दोनों में से किसी फिगर में अवेलेबल नहीं है। पहली फिगर में देखिए आप क्या क्या अवेलेबल है आपके पास, ए अवेलेबल है, बी अवेलेबल है, सी भी अवेलेबल है। दूसरी फिगर में क्या अवेलेबल है, डी अवेलेबल है, ए अवेलेबल है, ए को तो आप छोड़ दीजिए रिपीट हो जाएगा, ई अवेलेबल है। सिर्फ एफ ऐसा लेटर है जो दोनों में से किसी में भी अवेलेबल नहीं है, तो ए के अपोजिट कौन सा लेटर जाएगा, एफ चला जाएगा। अब बी के अपोजिट पता करना है हमें, क्या है कि बी के अपोजिट कौन सा लेटर आने जा रहा है हमारे उस पासा में जो हमने फेंका है और जिसके अलग अलग फिगर्स हमें दिखाई गई हैं दो। ठीक है, तो चलिए बी के अपोजिट पता करने के लिए क्या करेंगे, ए के पास जाएंगे और ए के क्लॉकवाइज चलेंगे, ए के क्लॉकवाइज चलेंगे तो हम यहाँ बी पे पहुँच जाएंगे, यहाँ ए के क्लॉकवाइज अगर हम चलते हैं तो ई पे पहुँच जाएंगे, तो यहाँ बी आया है तो बी के यहाँ पे क्या आया, ई, तो बी के अपोजिट कौन सा लेटर हो गया, ई। थोड़ी प्रैक्टिस के बाद आप इस कॉन्सेप्ट को बहुत आसानी से समझ सकते हैं, लेकिन आपको प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी, बगैर प्रैक्टिस के तो ये ऐसा हो जाएगा कि सर के ऊपर से गुजरेगा, कुछ पता नहीं चलेगा क्या हमने पढ़ाया और क्या आपने पढ़ा। क्लियर, अब बचता है सी, सी को देख लेते हैं, सी के अपोजिट क्या आने जा रहा है इस फिगर में, इस पास में सी के अपोजिट यहाँ पे बचता क्या है, ए आ गया, बी आ गया, अब सी के अपोजिट बचता है डी, तो सी के अपोजिट चला गया है डी। अब तीनों के आंसर मिल गए, तीन ही सवाल इस पर बनते थे, तीनों के तीनों आंसर आपको मिल गए। एक और इसी ढंग की प्रैक्टिस देख लेते हैं, प्रैक्टिस के लिए एक और सवाल। सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पे, अब यहाँ हमें पता करना है कि दो के अपोजिट क्या आएगा, एक के अपोजिट क्या आएगा और तीन के अपोजिट क्या आएगा, इनमें से कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है। तो हमें दो फिगर्स दी गई हैं, जैसा कि हमारा रूल नंबर दो कहता है कि इन दोनों फिगर्स में एक नंबर ऐसा है जो दोनों फिगर्स में अवेलेबल है, तो पता करते हैं कौन सा नंबर ऐसा है। यहाँ पे दो नंबर अपेयर हो रहा है, यहाँ पे भी दो अपेयर हो रहा है, और दोनों की जो पोजीशन है वो अलग अलग है, तो रूल नंबर दो के लिए ये फिट है। अब
अब अगर रूल नंबर 2 यहाँ बैठता है फिर, तो 2 के अपोजिट क्या नंबर आ सकता है जो नंबर इन दोनों फिगर्स में मिसिंग है? कौन सा नंबर मिसिंग हो सकता है? 1 यहाँ है, 2 यहाँ है, 3 यहाँ है। यहाँ पर क्या है? यहाँ पे 5 भी है, 2 तो ऑलरेडी आ चुका है इसलिए 2 को दोबारा लिखा नहीं है। फिर 6 भी आ गया, तो 4 यहाँ पर एक ऐसा नंबर है जो मिसिंग है, दोनों में से किसी भी फिगर में नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब 4 2 के अपोजिट चला जाएगा। अब बचता है हमारे पास एक, एक के अपोजिट क्या आएगा अब ये पता करना है। तो हम 2 के पास चलते हैं, 2 के पास जाने के बाद हम क्लॉकवाइज गए तो 1 आ गया, इधर अगर हम 2 के पास 2 के 2 से क्लॉकवाइज चले तो हमें 6 मिला, इसका मतलब एक के अपोजिट 6 आ जाएगा। अब बचता हमारा 3, 3 के अपोजिट चला जाएगा 5, और ऐसे करके हमें सबके सब नंबर्स मिल गए हैं। कौन सा कौन से फलक पे जाने वाला है, कौन से फेस पे जाने वाला है? चलिए अगले रूल पे चलते हैं। ये रहा रूल नंबर 3 जो आपकी स्क्रीन पे है। किन्हीं दो फिगर्स या चित्र में दिए गए नंबरों में से कोई दो नंबर अगर सेम है, इस बार क्या हुआ कि दो नंबर या दो फिगर्स या दो अल्फाबेट सेम होने लग गए हैं, पहले होता था एक, आपकी बार होने लगे हैं दो, चाहे उसकी स्थिति जो भी हो, अब इन दोनों नंबर जो सेम हो रहे हैं या दो अल्फ़ाबेट या दो कहना चाहिए चिन्ह जो सेम हो रहे हैं उनकी पोजीशन चाहे जो, लेकिन वो दो सेम होने चाहिए। अगर यहाँ पे 3 जो हमारे फेसेस दिखाई दे रहे हैं इनमें से कोई दो नंबर इस वाली दूसरी वाली फिगर में भी अपेयर होने चाहिए, जैसे यहाँ पे 4 अपेयर हो रहा है तो यहाँ भी 4 अपेयर हो रहा, हालांकि पोजीशन 4 की अलग अलग है, अगर एक जैसी भी होती तब भी कोई दिक्कत नहीं थी, नियम यही लगता। इसके अलावा 3 भी है यहाँ प्रेजेंट और 3 भी यहाँ प्रेजेंट, पोजिशन अलग है कोई दिक्कत नहीं, पोजिशन एक भी होती तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ऐसे में क्या होता है, तो ऐसे में बचे हुए नंबर, क्या नंबर बचा हमारे पास? 2 बचा इस फिगर में और 5 बचा इस फिगर में। तो ये नियम कहता है कि 2 5 के अपोजिट होगा और 5 2 के अपोजिट होगा। तो ऐसे करके ये हमें बहुत आसानी से आंसर दे देता है, लेकिन हमें काफ़ी प्रैक्टिस के बाद इस पे आदत बनेगी। अब यहाँ एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि 2 के अपोजिट तो हमें नंबर पता चल गया है 5 आएगा और 5 के अपोजिट 2 आएगा, लेकिन बाकी बचे हुए जो नंबर्स हमारे पास हैं, जैसे यहाँ पे 3 है, 4 है, जो कि दोनों फिगर्स में प्रेजेंट थे, कॉमन थे, तो उन नंबर्स में एक दूसरे के अपोजिट कौन से नंबर आएंगे, 3 के अपोजिट क्या आने वाला है, वो क्या हम इससे पता कर सकते हैं? इन दो फिगर्स से हम ये दो नंबर्स पता नहीं कर सकते कि 3 के अपोजिट कौन सा नंबर होगा और 4 के अपोजिट कौन सा नंबर होगा, उसके लिए हमें एक एडिशनल फिगर की कम से कम ज़रूरत होती है। लेकिन सबके सब कॉम्प्लिकेशन जो है आपको आसानी से समझ में नहीं आएंगे अगर आपने एक दो बार वीडियो को नहीं देखा या एक दो बार खुद प्रैक्टिस नहीं किया, तो ये आपके सर के ऊपर से ही गुजरेंगे। इसलिए हर किसी नए मेंबर को ये ज़रूरी है कि वो थोड़ी सी प्रैक्टिस कर ले, चाहे वीडियो पॉज करके साथ साथ कर ले या फिर वीडियो देखने के बाद कर ले, उसे दोबारा वीडियो देख करके पूरी तरह से A to Z सब चीज़ें क्लियर आ जाएंगी, ये हम गारंटी दे सकते हैं। अगले सवाल पे चलते हैं, सॉरी कुछ और सवाल इसी रंग के देखते हैं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है दो बॉक्सेस टाइप के दिए हुए हैं, दो पासे समझ लीजिए, दो पासे दिए हुए हैं और हमें पता करना है कि जो क्या कहते हैं सी के अपोजिट कौन सा लेटर आएगा। ABCDEF करके 6 लेटर यहाँ पे दिए हुए हैं एक पासा के डिफरेंट फेसेस पे, तो हमें पता करना है कि सी के अपोजिट कौन सा आएगा। तो लिख देते हैं सी के अपोजिट क्या आएगा, ये पता करना है लेटर। तो हम जानते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ ए यहाँ भी प्रेजेंट है, ए यहाँ भी प्रेजेंट है और सेम पोजीशन पे प्रेजेंट है, बी यहाँ भी प्रेजेंट है और यहाँ भी प्रेजेंट है और सेम पोजीशन पे प्रेजेंट है, तो हम रूल नंबर 2 लगा सकते हैं क्योंकि हमें दो चीज़ें इसमें भी हैं और हमारे दूसरे फिगर में भी हैं। इसलिए रूल नंबर 3 के हिसाब से क्या होगा कि बचे हुए जो दो जो जो भी बचा हुआ फेस हमें यहाँ दिख रहा है उस पर लिखा है सी, और यहाँ जो दिख रहा है बचा हुआ फेस उस पर लिखा है डी, तो सी के अपोजिट क्या हो जाएगा, सी के अपोजिट डी हो जाएगा। लेकिन हम रूल नंबर 3 से ये नहीं पता कर सकते हैं कि बी के अपोजिट कौन सा लेटर होगा और ए के अपोजिट कौन सा लेटर होगा। और कुछ सवाल देखते हैं। देखिए ये दो बॉक्सेस दिए हुए हैं, दो पासे दिए हुए हैं और इन पासों में हमें पता करना है कि एक्सक्लेमेशन मार्क के सामने कौन सा चिन्ह आएगा, एक्सक्लेमेशन मार्क। तो हमें पता है कि हम यहाँ पे देख रहे हैं ये स्टार यहाँ अपीयर हो रहा है और यहाँ पे भी स्टार अपीयर हो रहा है,
यहाँ पे स्टार अपेयर हुआ, यहाँ पे स्टार अपेयर हुआ, यहाँ पे ये हैश अपेयर हो रहा है, यहाँ पे भी हैश अपेयर हो रहा है। तो हमारे सामने ये जो फिगर हैं ये दोनों सपोर्ट करती हैं रूल नंबर 3 के लिए। तो रूल नंबर 3 के हिसाब से हम देखें तो हमें जो बचा हुआ फेस है उस पर लिखा हुआ है एक्सक्लेमेशन मार्क, और यहाँ बचे हुए फेस पे लिखा हुआ है एट द रेट। तो एक्सक्लेमेशन मार्क के सामने क्या आ जाएगा, सॉरी जस्ट अ मोमेंट, एक्सक्लेमेशन मार्क के सामने हमें मिल जाएगा एट द रेट, लेकिन बाकी चीज़ें हम नहीं पता कर सकते क्योंकि रूल नंबर 3 के हिसाब से ये दोनों सूटेबल फिगर्स हैं। एक और सवाल ऐसे ही देख लेते हैं। देखिए ये दो फिगर्स हमें दी हुई हैं और यहाँ पे क्या है, कोई नंबर ऐसा है जो सेम हो दोनों फिगर्स में? हाँ, एक नंबर ऐसा है जो दोनों फिगर्स में सेम है। ये दो नंबर यहाँ पर प्रेजेंट है, यहाँ भी प्रेजेंट है, और दोनों की पोजीशन भी एक ही जैसी है। इसका मतलब ये है कि रूल नंबर 1 यहाँ लग सकता है, और रूल नंबर 1 के हिसाब से 2 के अपोजिट कौन सा नंबर आ जाएगा, पहले यहाँ देख लेते हैं कौन सा नंबर मिसिंग है। जब रूल नंबर 1 लगता है तो हम पता करते हैं, और 2 लगता है तब भी हम पता करते हैं कि कौन सा नंबर या कौन सा लेटर, कौन सा अल्फ़ाबेट जो भी चल रहा हो उस भाषा में वो मिसिंग है। तो यहाँ पता करेंगे तो यहाँ से 2 आ रहा है, यहाँ पे 6 भी आ रहा है, यहाँ से 5 ही मिल जाएगा हमें, यहाँ से सिर्फ 2 मिलेगा, 3 मिलेगा और 4 ही मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या मिसिंग है, एक ऐसा नंबर अकेला 1 है जो मिसिंग है। तो 2 के अपोजिट क्या आ जाएगा, 2 के अपोजिट आ जाएगा जस्ट नंबर, 2 के अपोजिट आ जाएगा 1। अब 2 के अपोजिट हमें पता चल चुका है 1 आएगा, तो हम अब ये पता करने की कोशिश करेंगे कि 6 के अपोजिट क्या आएगा। रूल नंबर 1 कहता है कि इसी जो सामने इसके जो फलक बन रही है, जो फेस बन रहा है, उस पर जो नंबर है वो 6 के सामने आ जाएगा। तो यहाँ पे बन रहा है 3, इस फलक पे, इस फेस पे 3, तो 6 के अपोजिट 3 आ गया। और यहाँ पे जो है 5 बन रहा था तीसरी फलक पे, तो 5 के अपोजिट देखिए क्या बन रहा है, यहाँ पे 5 के अपोजिट जो फलक आ रही है उस पे 4 बना है, तो 5 के अपोजिट 4 आ जाएगा। इस ढंग से हम फटाफट इस तरह के सवालों को आंसर कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नए वीडियो में कुछ नई कॉम्प्लिकेशंस के साथ, कुछ नए सवालों के साथ जो SSC बैंकिंग PO या दूसरे अच्छे एग्ज़ाम्स में आते हैं, इंक्लूडिंग कैट्स, MBA के तमाम डिफरेंट एग्जामिनेशन, इंक्लूडिंग DU। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।